2021 में अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बारे में सोचा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, आपका रीजन हो सकता है कि आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एक ऑलरेडी एक वर्किंग पर्सन है और एक लैंग्वेज सीखने के बाद एक एडिशनल स्किल को एक्वायर करना चाहते हैं ताकि आप अपनी कंपनी में एक नेक्स्ट लेवल पर जा पाए, अपनी कंपनी में अच्छी ग्रोथ कर पाए, या हो सकता है आप कुछ एडिशनल इनकम बनाना चाहते हो अपने लिए। बहुत सारे लोग लैंग्वेज इसलिए भी सीखते हैं ताकि वो एक लैंग्वेज को अपना एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन के रूप में भी रखना चाहते हैं। तो रीजन चाहे कुछ भी हो, तो इस समय आपके माइंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा होगा और वो ये है कि 2021 में ऐसी कौन सी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जिनमें अच्छी डिमांड है इन इंडिया और काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है और इवन आने वाले कुछ सालों तक भी इन लैंग्वेजेस में काफ़ी अच्छी डिमांड रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन टॉप 6 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में बात करना चाहूँगा जिनमें इस समय इंडिया में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और इवन आने वाले कुछ सालों तक भी अच्छी रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लैंग्वेज एंड दैट इज़ फ्रेंच। येस, फ्रेंच हमेशा से इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज रही है सीखने के लिए। अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें इन इंडिया, तो जितनी जॉब्स अवेलेबल आपको फ्रेंच लैंग्वेज में मिलेंगी उतनी किसी भी लैंग्वेज में जॉब्स अवेलेबल नहीं है इन कंपैरिजन टू फ्रेंच लैंग्वेज। सी, फ्रेंच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। फ्रेंच एक ग्लोबल लैंग्वेज है, 300 मिलियन प्लस स्पीकर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रेंच के। 29 कंट्रीज में फ्रेंच एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं तो आपको फ्रेंच सीखनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंच टूरिस्ट इंडिया में बहुत विजिट करते हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन है लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए स्पेशली इस टाइम पर, एंड दैट इज कैनेडा। Right now, Canada is the first choice of Indians to work, to study or even to settle down. English के बाद French second official language है Canada की। अगर आप Canada में जाके easily settle होना चाहते हो तो French के examinations होते हैं TEF and TCF। अगर आप इन examinations में अच्छा score करते हो तो you will get extra points which will help you to immigrate in Canada easily. Second language is German language. German is the second most popular language in India after French. अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें जर्मन लैंग्वेज में इंडिया में, सो देर आर मेनी जॉब्स अवेलेबल फॉर जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन इंडिया इन ऑल द सेक्टर्स, वेदर इट इज टीचिंग, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, बीपीओस, केपीओस, एंड इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो स्पेशली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, तो लर्निंग अ जर्मन लैंग्वेज इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि इसी जर्मनी जो है वो दे आर लाइक वर्ल्ड लीडर्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग। तो अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग के किसी सेक्टर में है, तो जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एज वी ऑल नो डैट जर्मनी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ल्ड में भी 4th की लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। सो इफ़ यू लर्न जर्मन लैंग्वेज सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू मैनी अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। Third language is Chinese language. Yes, Mandarin language. See, Chinese language के जो number of speakers है, number of native speakers है, वो all over world में सबसे ज़्यादा है। Around 1.2 billion Chinese native speakers है all over world में। अगर आप job opportunities की बात करें Chinese language में India में, so obviously there are jobs available for Chinese language experts in India. चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज में रहती है। स्पेशली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जॉब करते हो या आपका बिजनेस है, तो लर्निंग अ चाइनीज लैंग्वेज इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अनदर गुड रीजन टू लर्न चाइनीज इन इंडिया इज कि चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इन इंडिया और लोग बहुत कम है जिन्हें चाइनीज लैंग्वेज आती है। क्यों? क्योंकि चाइनीज इज अ बिट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। फोर्थ लैंग्वेज इज स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसके नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में। 500 मिलियन प्लस स्पीकर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पेनिश लैंग्वेज के। ऑल द इंडस्ट्रीज हैव डिमांड फॉर स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स स्पेशली इन बीपीओ सेक्टर एंड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। बीपीओ सेक्टर में डिमांड ज़्यादा क्यों है स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की? बिकॉज इंडिया में जो बीपीओ में काम आता है वो मोस्टली आता है यूएसए से, और यूएसए में जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो है स्पेनिश आफ्टर इंग्लिश। अगर हम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो नंबर ऑफ स्पीकर्स जिस लैंग्वेज के सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं वो है फ्रेंच और दूसरा है स्पेनिश, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ स्पीकर्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। अराउंड 800 मिलियन प्लस स्पीकर्स हैं फ्रेंच और स्पेनिश दोनों लैंग्वेज के मिला के। नेक्स्ट लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स जापानीज लैंग्वेज। सी, जापान भी जर्मनी की तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है। जापान इज द लीडर इन मेनी सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, एनिमेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ship building and many more. So if you are already working in these sectors, then learning a Japanese language is a very good option for you. Now last language but not the least language is Korean language. See, there are many South Korean companies working in India like LG, Samsung and many more. There are a lot of multinational companies who require Korean language experts. अगर किसी को Korean language आती है तो उसके पास में एक extra advantage है in comparison to other people. क्यों? क्योंकि there are very less number of people in India who know Korean language. बहुत कम लोग हैं इंडिया में जिन्हें कोरियन लैंग्वेज आती है। तो ऐसे में इफ यू नो कोरियन लैंग्वेज सो यू कैन डिमांड फॉर हायर सैलरी एज वेल। आप कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हो 2021 में? नीचे मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं एंड डू लाइक दिस वीडियो एज वेल।